कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा और ट्राई करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। सो आई एम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो बहुत लोगों को जो हम स्टार्ट करते हैं गायनेकोमेस्टे से, सो काफ़ी लोगों को जो है गायनेकोमेस्टे का प्रॉब्लम है, जो कि मैन बूब्स या फिर मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं। सो शुरू में सबको जो एक जो ये लगता है कि क्या ये चेस्ट फैट लॉस जो है, हम क्या कोई वर्कआउट से हम कर सकते हैं या फिर इसके लिए हमें कोई मेडिसिन लेने पड़ेगी या फिर कुछ क्रीम्स या कोई लोशन या फिर कुछ इस तरह की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर जो है हेलो सो यू कैन आस्क एवरीवन, सो मेनी पीपल आर जॉइनिंग ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉस्मेटिक सर्जरी, सो आई विल रिप्लाई एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। सो जो गायनेकोमेस्टे का प्रॉब्लम है उसमें सब लोग जो है पहले नॉन सर्जिकल के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, नो वन वांट सर्जरी इंस्टेंटली, सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट है, सर्जरी लास्ट में ऑप्ट करते हैं पहले जो है। हेलो सो मेनी पीपल ज्वाइन ऑन इंस्टाग्राम, सो हेलो गुड इवनिंग, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो पहले जो है वो गायनेकोमेस्टे के लिए ट्राई करेंगे फैट लॉस, चेस्ट ज़्यादातर सबसे पहले कभी भी जो है सो थैंक यू तेजस्विनी सो मेनी फॉर सो मच पॉजिटिव फीडबैक, यू आर डन लिपोसक्शन वन ईयर बैक, नाउ यू आर शेयरिंग योर फीडबैक एंड आई वॉन्ट टू सी योर रिजल्ट एज वेल, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग यू बट एज यू सेड दैट यू अंडरगोन सर्जरी, सो आर यू हैप्पी विद योर सर्जरी, आर यू हैप्पी विद योर रिजल्ट एंड हाउ इज द लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर द सर्जरी। देखिए दूर मैं भी जो है 5 सेंटर्स में ट्रेवल करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ आपको घर पे नहीं मिलेगी, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। सो किस्मत ख़राब नहीं होती, किस्मत खुद बनाने से और बदलती है बेसिकली। अगर आपको जो है सर्जरी करानी है मेरे से तो आप एक बार ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए मैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट एवरी वीक एवरी मंथ आई कीप ऑन ट्रेवलिंग टू 5 cities कंटिन्यूसली एंड विदाउट एनी ब्रेक बेसिकली। सो आप मेरा एग्जाम्पल लेके सोचिए कि मैं मुझे भी जहाँ पर भी जाना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि मैं घर पर बैठा हूँ और सर्जरी घर बैठे हो सकती है। सो यू हैव टू ट्रेवल, एक बार आपको आना पड़ेगा दिल्ली में। यस आई एम अवेलेबल, आपका वेट 85 है, मुझे गाइनो है या फैट? देखिए आपको मुझे असेस करना पड़ेगा, नंबर्स यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सो ये रहे हमारे नंबर्स, इन नंबर्स पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो, जो भी सिटी आपको नज़दीक लगती है। सो ये हमारे नंबर रहे, सो इस पे आप जो है गाजियाबाद में नहीं है, यू हैव टू कम टू डी सेंटर दिल्ली पुणे बेंगलोर अहमदाबाद गुड़गांव। सो ये हमारे 5 सेंटर है, ये लाइव ही है और लाइव जो है मैं लाइव इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब दोनों पर लाइव हूँ। सो थैंक यू तेजस्विनी एंड सो आई विल सो काइंडली शेयर योर पिक्चर्स, रिसेंट पिक्चर्स, सो लेट मी सी हाउ मच बेनिफिट यू हैव गॉट। सो सी दोज हु आर वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम, पीपल गेट गुड रिजल्ट, पीपल गेट गुड फीडबैक इफ इट इज डन प्रॉपरली, एज यू कैन सी दैट दे हैव शेयर्ड देयर फीडबैक एंड ऑल्सो देखिए रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, आई एम ए ह्यूमन बींग, आई एम नॉट ए मैजिशियन बेसिकली। सो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, अनसेटिस्फाइड भी रहेगी। सो आपको अनसेटिस्फेक्शन है मेरे से मिलिए एंड मेरी जो भी मेरे से पॉसिबल है आई विल करेक्ट इट।
गायनोकोमेस्टिया है, नोबडी अंडरस्टैंड माय ब्रेडेड पर्सन। प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी के लिए कोई साथ नहीं लेकर आ सकता अकेले। देखिए, अगर अकेले आना तो आई विल अरेंज स्पेशल अरेंजमेंट फॉर यू, सो यू कैन कम अलोन। और इससे पहले किसी ने पूछा था कितने दिन में रहना पड़ता है हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद। आई थिंक आप अंडर आर्म फैट पैड की सर्जरी के बारे में पूछ रहे हैं। सो वन डे सेम डे पे डिस्चार्ज। आप एक बार जी प्लाज्मा को समझा दो। समझा देता हूँ अभी। थैंक यू फॉर चेंजिंग योर लाइफ। अब ठीक लग रहा है, निक ने भी बोला है। सो गाजियाबाद में नहीं है, दिल्ली में आना पड़ेगा। मेरा तरीका, मैं माइक्रोवेव भी करता हूँ, वेजर भी करता हूँ, रिन्यूविन भी करता हूँ। रिन्यूविन स्पेशल टेक्निक है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर स्किन टाइटनिंग। कोई भी लाइपोसक्शन डिवाइस स्किन टाइटनिंग नहीं करता है। एज कंपेयर टू वी हैव दिस स्पेशल जे प्लाज्मा रिन्यूविन वेयर द टाइटनेस इज वेरी, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड मशीन इन द वर्ल्ड फॉर स्किन टाइटनिंग विच इज ए स्पेसिफिक रोल। सो लाइपोसक्शन वाई वेजर डज नॉट डू मच स्किन टाइटनिंग। वी हैव टू यूज एडिशनल मशीन, सो विच इज द जे प्लाज्मा। इसमें हीलियम प्लाज्मा एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड रहता है। ये तीनों टेक्निक जो है बेसिकली स्किन टाइटनिंग करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होती है। यस, आपको जाके चेक करना पड़ेगा। मोर देन 1 month आई एम स्टिल फीलिंग पेन अराउंड द चेस्ट। पेन होना, इट इज नॉट बेसिकली, सी एवरी वन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन इज देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन टॉलरेंस इज देयर। सो इट इज अ हीलिंग फेज, जस्ट इज 1 month एंड यू आर फीलिंग द पेन बिकॉज इट इज रिकवरिंग धीरे धीरे। जैसे जैसे अब आपको आपका एफर्ट कितना है, आपका आप कितना इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसके ऊपर भी रिजल्ट मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सर्जरी कर दी है तो आपको कोई उसके बाद एफर्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको पेन हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने मसाज और एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट की है, मसाज नहीं किया है, अदरवाइज अभी तक पेन होने का कोई रीजन नहीं है। एंड अभी आप मसाज करिए, एक्सरसाइज करिए, जितना स्ट्रेचिंग उतना करिए, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। और जो है धीरे, कुछ हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डार्क कलर होती है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड मिनिमम 3 to 6 months लगते हैं, एंड 6 months के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, पेशेंस रखिए और जो है पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करिए। कॉस्ट के लिए नंबर्स हैं, मैंने मेंशन किया यहाँ पे। आप अपने पिक्चर्स, अपनी डिटेल सेंड करिए, तभी आपको कॉस्ट पता चलेगी। कंप्रेशन गारमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन मिलिट्री, कट मार्क्स होंगे क्या गायनो सर्जरी में? कट मार्क्स देखिए, मिनिमल स्कार आता है, ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, ज़्यादा स्कार नहीं आते। एक इंसिजन के थ्रू मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम सर्जरीज करने का। कोई भी मिलिट्री, कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप गायनेकोमास्टर करेक्ट करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेस लाइपोसक्शन पॉसिबल है? यस, डबल चिन के लिए पॉसिबल है। अकेले आ सकते हैं? एंड यू सेड दैट यू कैन अरेंज पर्सन फॉर लुकअप, तो क्या इसका एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा अदर देन? नो, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। फेस ग्राफ्टिंग का कोई साइड इफेक्ट? तो देखिए, फेस फैट ग्राफ्टिंग काफी रिफाइंड वे में किया जाता है और कॉस्टली भी है, टाइम टेकिंग भी है और बहुत फाइन तरीके से किया जाता है, तभी हम इसमें परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। साइड इफेक्ट एज सच, एक तो इसमें मेन जो है स्वेलिंग बहुत रहती है इनिशियली बिकॉज वी हैव टू ओवर डू, एंड उसको जो है नॉर्मल, क्योंकि फैट काफी 30-40% एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको ओवर डू के किया जाता है। एंड बहुत ज्यादा इनिशियली 2 weeks तक स्वेलिंग रहती है मेन, एक ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। बाकी थोड़ा ब्रूजेज हो सकती है, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मेन यही प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज फेस क्राफ्टिंग नॉट ओनली डज द फिलिंग ऑल्सो रिजुवनेट द स्किन, इट मे इट इज अ वेरी गुड टेक्निक एंड द रिजल्ट विल लास्ट फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू अभी ठाकुर, एंड जब भी आपका प्लान हो तो आप आ सकते हो। थैंक यू अपन कॉल के। फिक्स नेक्स्ट डे फिक्स होता है? नहीं, हमारे स्लॉट एडवांस में बुक होते हैं,
कंसल्टेशन के लिए आना है तो आप आ सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप जिस दिन आएंगे अगले दिन सर्जरी हो जाएगी, ऐसा मत करिए। ऑलरेडी लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, ऑलरेडी बुक होते हैं। सो आप पहले अगर आपको कंसल्टेशन लेनी तो फिर कंसल्टेशन के लिए आइए, उसके बाद जब आपको हमारा सर्जरी का स्लॉट हम आपको देंगे। थैंक यू, सो थैंक यू एवरीवन। एंड सो फेस लाइपोसक्शन के बारे में क्या बताएं? फेस लाइपोसक्शन मेनली डबल चिन किया जाता है। इसमें हम बकल फैट पैड भी रिमूव कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया, सेम डे डिस्चार्ज। रिजल्ट के लिए 3 to 6 months। आप हमने इतने सारे वीडियोस और रिजल्ट फीडबैक दे के रखे हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। सो मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग ऑन इंस्टाग्राम, सो काफी लोग हैं। सो किसी क्वेश्चन मिस हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी। बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए, स्पेसिफिक पूछिए। बकल फैट पैड रिमूवल को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 30-40 मिनट्स का प्रोसीजर, रिकवरी सेम डे, रिजल्ट 3 to 6 months लगता है। नमस्ते राहुल, बिहार से हैं द फिट फैक्ट्स। हेलो सागर, नवीन, थैंक यू। एंड सोमेश, आप बात कर सकते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट टाइमिंग लेंगे तो मेरी टीम आपको मेरे से कनेक्ट कर देगी। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक के लिए मिस्टेक नहीं होगी, आप घबराइए मत। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसे हो गया, अगर ये छत गिर जाए, अभी ये हो जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, तो क्या क्या करेंगे? सो ये चीजें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए सब लोग, बहुत लोगों को अकेले आने का है, लेकिन देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई साथ में हो। ये एक बेसिकली एक्सक्यूज है, बताना नहीं है वो अलग बात है। अगर आपको नहीं बताना है तो कोई अननोन पर्सन को जरूर साथ लेके, ये आपके ये कंपल्सरी रहता है। आपके लिए भी अच्छा रहता है, आपकी मेंटल सपोर्ट के लिए भी अच्छा रहता है, आपकी केयर के लिए भी रहता है। देखिए सर्जरी मुझे ही अकेले को करनी है, लेकिन ये पोस्ट सर्जरी और आपके मेंटल सपोर्ट के लिए जरूरी रहता है। योगेश, इसका गायनेकोमास्टिक रिकवरी पीरियड फाइनल रिजल्ट 3 to 6 months, स्वेलिंग 14 डेज। ऑफिस और या बिजनेस से आपको भी छुट्टी लेनी है, वो एटलीस्ट 2 to 3 डेज, इतना ही आ रहता है। सूचर्स रिमूवल आफ्टर 2 वीक्स, कंप्रेशन गार्मेंट यू टू वेयर फॉर 2 मंथ्स। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ बेसिकली, और मिस्टेक अगर होती है तो एंड देखिए मैं डेली डेली सर्जरीज करता हूँ थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आई ट्रेवल, मिस्टेक हो सकती है। मैं ह्यूमन बींग हूँ, मैं भी जैसे आप लोग हैं ऐसे ही हूँ। आप भी वर्क करते हैं, आप भी कोई भी काम करते हैं, उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होती है कि जो उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। और इतनी ज़्यादा सर्जरी मैं कर चुका हूँ, इतनी डेली डेली कर चुका हूँ, सो बेसिकली जो है मिस्टेक के चांसेस धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस होता है, जैसे मेरे पास जो है टूल्स हैं, बेसिकली मोस्ट एडवांस टेक्निक्स हैं सारी सारी, जो कि मिस्टेक्स को कम कर देती है। वी हैव बैकअप फॉर एवरी थिंग, सो चांसेस ऑफ मिस्टेक आर वेरी लेस। फैट ग्राफ्टिंग ऑन ब्रेस्ट, डज इट लास्ट? यस, फैट ग्राफ्टिंग ऑन ब्रेस्ट इट माइट रिक्वायर 2 सेशन एंड द रिजल्ट्स आर गुड। वी कैन इंक्रीज 1 कप साइज, एंड इफ यू हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 कप साइज इंक्रीज, फिलिंग ऑल ओवर द ब्रेस्ट, नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन के पूरी तरह से प्रोजेक्शन आ जाए, सो फैट ट्रांसफर इज ए गुड ऑप्शन, एंड वी कैन यूज ब्रेस्ट इम्प्लांट विथ फैट ट्रांसफर एज वेल टू गिव बेटर आउटकम। सो वी नीड टू असेस वेदर वट काइंड ऑफ ब्रेस्ट यू हैव, हाउ मच साइज यू वॉन्ट, हाउ वट इज योर एक्सपेक्टेशन, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट विच ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर यू। लाइपोसक्शन की कितने टाइम पे बेड रेस्ट रहता है टमी थाई? नेहा, लाइपोसक्शन करना है तो आपको एटलीस्ट जो आपने टमी रीजन होता ही है, सो मिनिमम टू मिनिमम 7 डेज आपको अपने वर्क से ऑफ लेना पड़ेगा। बेड रेस्ट एज सच नहीं है, द अर्ली यू स्टार्ट मूविंग आउट, अर्ली यू स्टार्ट डूइंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज और डूइंग वर्क, अर्ली विल रिकवर। आपको एक्टिव रहना है सर्जरी के बाद, आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। हाँ
हाँ, लेकिन पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट रहता है. सो इनिशियली आप वर्क, ऑफिस वगैरह रिज्यूम नहीं कर सकते, प्रोलॉन्ग सेटिंग में तकलीफ होती है. सो एटलीस्ट आप 5 to 7 days छुट्टी लेके रखिए. रिकवरी टाइम नॉट मच फॉर फैट, ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग, लाइक यू कैन से 2 days यू कैन टेक ऑफ फ्रॉम योर वर्क. जनरल एनेस्थीसिया में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों सेफ हैं. अगर आपको स्पेसिफिकली कोई पेन नहीं चाहिए, कोई मेमोरी नहीं चाहिए, देन वी कैन डू अन जनरल एनेस्थीसिया. निप्पल कट होता है ऊपर से टाके, एक माइक्रोस्कोप निप्पल, निप्पल पर जो कट होता है, जो भी है बेसिकली, देखिए लूप लगाने के, माइक्रोस्कोप पे लूप है उसके लिए हम बेसिकली जो है फाइन सूचर्स लेते हैं, लूप लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है. पेन हो रहा है सो एक बार आप गौरव सैनी, पेन क्यों हो रहा है, देखिए बहुत लोग क्या है कंफ्यूज होते हैं कि उनको सेंसेशन नहीं होते, एंड कभी कभी ये कहते हैं कि सेंसेशन भी नहीं है और पेन भी है. सो दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं. पेन हो रहा है तो बेसिकली थोड़े से नर्व्स जो हैं वो सेंसिटिव जरूर रहते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा सेंसेशन डिफरेंट होता है. ऐसे कंटिन्यूसली अभी मार्च होने के बाद ऑलमोस्ट 6 months हो गए, तो अभी नहीं होगी. लिटिल बिट हो सकता है, तो आपने हो सकता है मसाज प्रॉपरली नहीं किया है, स्ट्रेचिंग नहीं की होगी, और फिर भी आपको लगता है तो आप मुझसे आके दिखा सकते हैं. कॉस्ट के लिए आप ये नंबर्स हैं, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स डिटेल सेंड करिए, हम आपको कॉस्ट बता देंगे. आफ्टर माय थैंक यू चिदंदन, चिदन अंदा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, चिदंदा टी, एंड यू आर गिविंग गुड फीडबैक, एंड नाउ यू आर वेयरिंग टी शर्ट्स एंड गोइंग कॉन्फिडेंट इन डूइंग जिम्स, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दैट्स वाई यू आर कॉन्फिडेंट एंड दैट्स वाई यू गॉट गुड रिजल्ट. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक. जयराज मिश्रा, आप मसाज करिए और फिर भी आपको लगता है तो एक बार मुझे, हमारे पास आ जाइए, हमारे पास अदर ट्रीटमेंट भी, ऑप्शंस भी हैं जिससे हम हार्डनेस, स्टिफनेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो मैंने, मुझे लग रहा है क्वेश्चन करते हैं, डू यू गाय वर्क इन द एरिया ऑफ स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल, वी हैव लेजर ट्रीटमेंट, मीजोथेरेपी, सो मेनी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर स्ट्रेच मार्क्स. स्ट्रेच मार्क्स कैन बी रिड्यूस, दे कैन नॉट बी रिमूव. आई एम कमिंग टू इंडिया. ओके, यू वॉन्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन कम ऑन 15, आई विल सी यू, डोंट वरी. अहमदाबाद अपॉइंटमेंट, देखिए अहमदाबाद वाले नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके रखिए, एंड डेफिनेटली पेमेंट जो है, जैसे आप बुक कर देंगे तो मैं, जैसे जैसे मेरी बुकिंग्स होती है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करूंगा. अभी आया था अहमदाबाद में, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2 weeks आई विल कम. यस, धीरे धीरे देखिए गायनों का ग्रेड बढ़े ना बढ़े, लेकिन सेगिनेस जरूर बढ़ती है जाती है, और आपका अगर वेट बढ़ रहा है तो और ज्यादा सेगिनेस आ जाती है. तो संकेत पटेल, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको जो है नेक्स्ट 2 weeks में आई विल बी कमिंग टू अहमदाबाद. और गाइनो है, चेस्ट पेट, हाउ टू नो, सिंपल है, ग्लैंड और टिश्यू जहाँ रहेगा आपको फील करिए, थंब और इंडेक्स फिंगर में आपको लंप जैसा फील होगा. और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ट्राई करते हैं, कहते हैं कि नहीं है ग्लैंड, जो ग्लैंड और टिश्यू है वो ऊपर स्किन के नहीं रहता है, वो अंदर रहता है, मिक्स विथ फैट रहता है. बहुत बार आप खुद ट्राई करेंगे तो मिस हो जाएगा. तो आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार आके मिलिए, या पिक्चर शेयर करिए, या वीडियो कंसल्टेशन लीजिए. ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन आर एब्सोल्युटली फ्री. लाइपोसेंगे कितने तक हो सकता है, राइट नाउ आई वेट 10 माइल. सो आप मैसेज कर, आप डीएम करिए, आई विल टेल नेहा अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज डिपेंड ऑन द टेक्निक, वेदर यू वॉन्ट स्किन टाइटनिंग, वेदर यू वॉन्ट नॉर्मल लाइपोसक्शन, सो अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू द एस्टिमेटेड कॉस्ट. सो काइंडली डीएम. जिम करते हैं तो गायनो सर्जरी के बाद मसल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिम करेंगे सर्जरी के बाद तो मसल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, मसल्स डेवलप होंगी, आपकी चेस्ट और ज्यादा डिफाइंड होगी. स्वेलिंग
स्वेलिंग फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर बकल फैट? स्वेलिंग देखिए, हम उसको यहाँ पे एक टाइट ड्रेसिंग दे देते हैं 4-5 डेज के लिए, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं रहती है, बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सेम डे पे वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। देखिए, मैं स्किन लिफ्टिंग में जो है बिलीव, स्किन लिफ्ट सर्जरी गिव्स अ वेरी बैड स्कार एंड वी हैव लेटेस्ट टेक्निक ऑफ जे प्लाज्मा विच इज वेरी पॉपुलर इन इंटरनेशनली। टॉप मोस्ट सर्जन यूज दिस बिकॉज इट इज कॉस्टली, इट इज नॉट अवेलेबल विद एवरीवन। वी डोंट डू स्किन लिफ्ट सर्जरी, आई डू बेसिकली जे प्लाज्मा रिन्यूअल स्किन टाइटनिंग and along with micro invasive, so I use combination of technique to give the best outcome. बक्कल फैट को रिमूव के बाद क्या वो दोबारा नहीं, दोबारा नहीं आएगा? सिक्स पैक वास का रिजल्ट कैसा रहता है और कब रिजल्ट? हमेशा देखिए, कोई भी लाइफ सेक्शन सिक्स पैक आएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, प्रोवाइडेड आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे आप डाइट ले रहे हैं, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा लाइफ स्टाइल है मेंटेन करेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे, नॉर्मल हेल्दी रूटीन रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। ग्रेड 3 लोकल एनालिसिस में हो सकता, देखिए कोई भी ग्रेड हम लोकल एनालिसिस में कर सकते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हमें ग्रेड 3 है तो लोकल में करना है, जनरल में, ये आपकी प्रेफरेंस आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर्जरी नेक्स्ट डे काम पर जा सकते हैं? नहीं, 1-2 दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। संकेत पटेल, लाइपोमा की सर्जरी किस टेक्निक से करते हैं? छोटे पंचर होल से करते हैं, बहुत सारे लंप में रहता है तो हम लाइपोसेक्शन भी यूज करते हैं। सेम डे ही होता है, सेम टाइम ही होता है, इमीडिएटली करना पड़ता है आफ्टर रिमूवल ऑफ फैट एंड द ग्लैंड रिमूवल। जे प्लाज्मा बाद में नहीं किया जाता है। आई ऑपरेट इन दिल्ली, दिल्ली में होजकास में हमारा क्लिनिक है, ऑलरेडी यहाँ पे नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। हेलो संजू, सो ये रे नंबर, डेली वाले नंबर, इस पे आप जो है वेयर टू सेंड पिक्चर्स, विच इज नियरेस्ट टू योर सिटी यू कैन सेंड। ड्रेसिंग 3 डेज के बाद, ड्रेसिंग सर्जरी के दूसरे, लाइपोमा बता दिया सर। आप दिल्ली वाले क्लिनिक पे कब मिलेंगे विद टाइमिंग? अभी आज मैं ये लाइव सेशन अभी मैं बेंगलोर से कर रहा हूँ, टुमोरो आल्सो आई विल बी बेंगलोर, सो जिसको कंसल्टेशन या फॉलोअप के लिए आ सकता है, उसके बाद आई विल बी एट दिल्ली। सो फ्रॉम विच डेट इज डे आफ्टर टुमोरो आई विल बी दिल्ली फॉर 4-5 डेज। नमस्कार दिनेश कुमार, सिक्स पैक में दर्द कब तक रहता है? सिक्स पैक सर्जरी में रिकवरी के लिए आपको 5 डेज तक पेन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पेन हो रहा है, हम आपको पेन कम करने के लिए पेन किलर्स देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं जिससे पेन कम कम जो है कंट्रोल में रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। इज देयर नो क्लिनिक इन विजयवाड़ा? यू कैन कम टू नेहा, यू कैन कम टू बेंगलोर, बेंगलोर इज नियरेस्ट आई थिंक फ्रॉम विजयवाड़ा। सर्जरी हो चुकी है, आप नहीं की थी? जरूर आप आके मिल सकते हैं, मैंने अभी आपको स्केड्यूल बता दिया है। वेट लॉस के बाद गायनो की आप आके मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, नंबर है आपके पास रहेगा। जय कलवानी का रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा आया है, ही इज हैप्पी एंड ही शेयरिंग हिज फीडबैक। सो क्या चेंज हुआ है आपकी सर्जरी के बाद वो भी बताइए। सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट है, हीमोग्राम, पीटी, एपीटीटी, एचआईवी, एचबीसीजी, एचसीवी, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये आपको 4-5 रेंडम ब्लड शुगर, ये आपको 4-5 टेस्ट करने पड़ते हैं कंपलसरी, और फिर आप हमें रिपोर्ट शेयर करिए। सो टेक लवर आप मिल सकते हैं, आपके पास नंबर है, मैंने डेट भी बता दी। सो जे कलवानी का भी बता दिया, वेयर टू सेंड आई एम कंफ्यूज। यस यस यस, आप 12 सितंबर को आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आइए। स्किन लूज नहीं होगी, सिक्स पैक ऐप में हम स्किन टाइटनिंग भी करते हैं, और देखिए सिक्स पैक उन्हीं की हो सकती है जिनके वेल डेवलप मसल्स हो, बहुत ज़्यादा विसरल फैट नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं हो, सो हम उस इसी के अंदर जो है सो जो है
सो हम उन केसेस में असेस करते हैं, देन ओनली वी डू 6-pack abs, एंड हर केसेस में नहीं हो सकते, तो आपको आपका असेस करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा क्या 6-pack आपके हो सकते हैं नहीं है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा स्किन, 6-pack शरीर में स्किन लूज नहीं होगी। थैंक यू, एंड बेंगलोर स्टाफ इज गुड एंड केयरिंग, सो थैंक यू। आई एम टॉकिंग दिस लाइव सेशन, आई एम डूइंग फ्रॉम बेंगलोर ओनली, आई विल गिव योर फीडबैक। कितने आवर कुछ ईट नहीं कर सकते, देखिए सर्जरी से पहले मिनिमम 6 to 8 hours, सर्जरी के बाद मिनिमम 2 to 4 hours। कसाई भी ज़्यादा घटता है कभी कम, ऐसा क्यों? वो देखिए थोड़ा सा नॉर्मल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से ऐसा फील होता है। बहुत ज़्यादा डे टू डे या मिनट वाइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही इंक्रीज डिक्रीज होता है। क्या हमें सर्जरी कर सकते हैं, फैटी लीवर है, फैटी लीवर बहुत कॉमन है, सो ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते। मुंबई में नहीं, आपको पुणे में आना पड़ेगा। सो एक बार दिखा दीजिए, अंडर आर्म में स्पेसिफिकली देखिए स्टिफनेस रहती है, आप जैसे जैसे मसाज करेंगे, अभी 1 month हुआ है, 3 to 6 months लगेंगे, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये दैट इज नॉर्मल अंडर आर्म रीजन में इस तरह की गांठ बनना। मुंबई में नहीं है, मुंबई में नहीं है क्लिनिक रईस राहुल, एंड आप पुणे में आना पड़ेगा। फैटी लीवर के प्रॉब्लम में क्या मैं सर्जरी करा सकता हूँ? यस योर स्टाफ ओके सर। सूचर कितने दिन में? 2 to 3 weeks के बाद, सर्जरी के बाद आदमी मेडिकल फिट डेफिनेटली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो विच सर्जरी, आई एम नॉट गेटिंग योर नेम, चिदाजियस, विच सर्जरी विच ट्रीटमेंट यू टेकन एट बेंगलोर? कैन कैन टू बी ओनली स्टबन फैट डिपॉजिट एंड नो ग्लैंड? यस, सम ग्लैंड और टिश्यू इज ऑलवेज देयर वेन एवर देर इज गायनेकोमेस्टिया, ऑलवेज बोथ कंपोनेंट्स आर देयर, वेरी रेयरली ओनली ग्लैंड और टिश्यू इज देयर। अंडर आर्म फैट के लिए कुछ वर्कआउट है या नहीं? अंडर आर्म फैट किसके लिए, मेल के लिए पूछ रहे हैं, फीमेल के लिए पूछ रहे हैं? डेफिनेटली वर्कआउट किस चीज का, सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद, कैसा पूछ रहे हैं आप? अंडर आर्म मेल के अंदर स्पेसिफिकली देखिए, जब यहाँ पे चेस्ट के अंदर होता है तभी होता है, बहुत रेयर कंडीशन में ही अंडर आर्म में जो है फैट डिपॉजिट होता है स्पेसिफिकली, और अगर अंडर आर्म में फैट पैड है और गया नहीं है तो डेफिनेट उसमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, वर्कआउट से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सर्जरी से पहले है तो उसमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी। देखिए टैक लवर, आपको सब डिटेल बता दी, आपके पास नंबर है, आप यहाँ पे मेरे से टाइम मत पूछिए, आपके पास नंबर है वहाँ पे मैसेज करिए, आपको टाइमिंग डेट सब बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन डिजॉल्व एंड नॉन डिजॉल्व स्टेज, डिजॉल्वेबल 100 days तक रहते हैं, नॉन डिजोल्वेबल विल रिमूव आफ्टर 2 to 3 weeks। सेम डे पे डिस्चार्ज करेंगे गायनेकोमास्टिया सर्जरी में? सी द होल आकांक्षा इज नॉट, इट इज अ स्मॉल पंचर होल जस्ट टू मेक जस्ट फॉर द एंट्री ऑफ द कैनुला, सो दैट डोंट लीव एनी मार्क, दैट क्लोज इट सेल्फ इन लाइक 3 to 4 weeks टाइम, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल पंचर होल दैट टू इन द हिडन एरिया, सो इट इज नॉट सीन नॉट विजिबल आफ्टर कंप्लीट हीलिंग। सर्जरी से पहले तो आपको जो है राजेश, ये शायद आपको फिर चेस्ट के अंदर भी फैट होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, और या फिर आप कह रहे हैं कि अंडर आर्म फैट पैड में, अंडर आर्म में सिर्फ फैट है तो एक बार असेस करना पड़ेगा। मोस्टली क्या रहता है इन सब रीजन में, ये डाइट और एक्सरसाइज रेजिस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे जल्दी जो है फैट नहीं जाता है, तो इसमें मोस्टली जो है सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। गायनेकोमेस्टिया इज ए कॉस्मेटिक सर्जरी, ये कोई इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम में नहीं आती है, आपको ये जो है कोई भी इंश्योरेंस में कवरेज नहीं मिलेगी। यस दैट इज वेरी नॉर्मल,
कहीं एक साइड में आपको डेफिनेटली फील हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, दैट इज नोन एज सिरोमा। विद टाइम इट विल गेट रिड्यूस, जैसे जैसे मसाज करेंगे, गारमेंट पहन के रखिए, एंड जब टाइम 1 मंथ हो जाए तो आप एक्सरसाइज करिए। धीरे धीरे ये जो फ्लूइड है, बेसिकली बिकॉज वहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया है, वहाँ पे नॉर्मल टेंडेंसी है रिएक्शनरी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की, वहाँ पे फ्लूइड होगा। जैसे जैसे लिम्फेटिक चैनल डेवलप होंगे, जैसे जैसे आप मसाज करेंगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा, धीरे धीरे वो बेटर होता चला जाएगा, एंड वैसे ही आप जो जो है आपकी स्किन भी धीरे धीरे बेटर होती जाएगी, स्किन टाइटनिंग भी होगी। बैलून थेरेपी, देखिए कि बैलून थेरेपी के आप जो है बेरियाटिक सर्जरी का एक प्रोसेस है, वो हमेशा कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं करता है, वो बेरियाटिक सर्जन करते हैं। अगर आपको चाहिए वो मैं आपको मेरे क्लिनिक पे अरेंज करा सकता हूँ। ओके, आप मिल लीजिए, बता दिया है मैंने टेक लवर, आप अपॉइंटमेंट टाइमिंग लेके, देखिए कोई किसी को भी कभी भी मिलना है, अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके आप मुझसे मिल सकते हैं। और देखिए बहुत लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं हर पेशेंट का मेरे पास उनके पिक्चर्स, उनका रिकॉर्ड सब आता रहता है, चाहे वो कोई भी सिटी के अंदर ऑपरेट हो, तो मुझे सब पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन पोस्ट सर्जरी भी रहती है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब करा ली, 1 मंथ हो गया है। आर यू रिमूव द होल ग्लैंड? यस, आई रिमूव ऑल ग्लैंडुलर टिश्यू, आई लेट द सपोर्टिंग टिश्यू विच इज नेसेसरी फॉर द निप्पल सो दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी ग्रेटर डिफॉर्मिटी इज केप्ट, बट ऑल द ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑल द हार्ट टिश्यू इज रिमूव्ड। नॉट एज सच, मोस्टली सी इफ देर इज ए वेरी मिनिमल ग्लैंड एंड देन समटाइम्स इफ पेशेंट डोंट वॉन्ट एनी ग्लैंड रिमूव, देन वी कैन लीव इट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू रिमूव द ग्लैंड एज वेल एज द डू द लाइपोसेक्शन। इफ यू डोंट वॉन्ट एंड इफ योर ग्लैंड इज मिनिमल, देन वी कैन लीव इट। थैंक यू। गायनो कभी नहीं आएगा, दोबारा सर्जरी करने के बाद नहीं आएगा, एंड जो है वन टाइम प्रोसीजर है, एंड जो है दोबारा एक बार कंप्लीट फैट और ग्लैंड निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। अब मसाज करिए जितेश, और जो है अभी 1 मंथ 10 डेज हुए हैं, मिनिमम आपको हार्डनेस स्ट्रेंथ जाने के लिए 3 to 6 months लगेंगे। आप एक्सरसाइज और जो है एक्सरसाइज और वर्कआउट करिए, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। गायनो के रीजंस क्या हैं होने के लिए? गायनो मेनली हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है जिससे ओवर ग्रोथ हो जाती है, एंड जो है सो ओवर ग्रोथ हो जाती है, मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गायनेकोमास्टिया। ओके, सो शो हिप गन लाइपोसेक्शन, ओके सो यू कैन विजिट और यू कैन शेयर योर पिक्चर्स, लेट मी सी, एंड वंस आई सी योर कंडीशन आई विल सजेस्ट व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर योर थाई एंड बट। बट आफ्टर लाइपोसक्शन एवरी आई विल से दैट यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, एंड इफ यू कैन नॉट डू जिम एटलीस्ट मेंटेन योर वेट, डोंट इन ओवर ईट। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो। यस, थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद आया हूँ, एंड आई थिंक मंथ्स हो गए हैं, सो मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं दुखी तो हो नहीं सकता हूँ, तो खुश हूँ तो ये अच्छी बात है, सबको खुश रहना चाहिए। देखिए मैं खुश क्यों हूँ, देखिए अभी जैसे अभी बता रहे हैं मोंटी मोंटू हुसैन, ही इज हैप्पी आफ्टर सर्जरी, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश होऊंगा ही। और काफी टाइम के बाद आया हूँ, सो काफी लोग जो हैं बीच में अभी नहीं, मैं ट्राई करूंगा एज मच एज पॉसिबल
आने की. यू थैंक यू संगम प्रसाद. सो एनी क्वेश्चन ऑन एक्सट्रीमली राहुल? यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. एंड कैन मास्टरबेशन बी रीजन ऑफ गायनेकोमास्टिया? नो, नो रिलेशन. मास्टरबेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना गायनेकोमास्टिया होता है ना कोई और प्रॉब्लम होती है. सीरोमा अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है. देखिए जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा बॉडी ट्राई करेगी वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की. जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे मसाज करेंगे, गारमेंट पहनेंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है. यूजली इसमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है. ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीरिन से एस्पिरेट करना पड़ता है अगर वो स्वेलिंग इंक्रीज कर रही है. चेस्ट का सर्जरी हुआ है मेरा, चेस्ट परफेक्ट है. कितनी बार लिखेंगे? स्पैम मत करिए. अच्छा है आपका रिजल्ट, अच्छा है, समझ गए हम सब. एक तो नेम भी आपने जो है वो डाला नहीं है. ये कौन से नेम से आपने जो है ये कमेंट पास किया है? Mirror is bigger and sometimes little pain. Such a why is it so? My left side gyno is bigger. It is always both sides are different. One can have more glandular tissue. Pain का reason ये है कि glandular tissue जहाँ रहेगा over sensitive रहेगा, pain sensation होने के chances ज़्यादा रहते हैं. So यही एक reason है. हिमाचल में कोई नहीं है, हिमाचल में दिल्ली से आना पड़ेगा. तो देखिए हमारे सेंटर लिमिटेड ही है, मैं हर जगह पे पॉसिबल नहीं है. ऑलरेडी इतना ट्रेवल करता हूँ तब मैं जाके 5 सिटीज को कवर करता हूँ. और यस डेफिनेटली आ सकते हैं. लंब तब तक चला जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी आपको कोई भी कंसर्न रहता है तो आप कभी भी आ सकते हैं. कोई किसी को भी कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली आप आइए, बताइए, मिलिए, डेफिनेटली हम उसको रिजॉल्व करेंगे. और तब तक तो 6-8 महीने में डेफिनेटली चला जाएगा. गायनेकोमेस्टिया में पेन नहीं होता है, 99% पेनलेस होता है. आप कंफ्यूज मत होइए कि पेन नहीं हो रहा तो गायनो नहीं है. गायनेकोमेस्टिया में पेन नहीं होता है. प्रॉपर मेडिस अभी ये नहीं पता क्या आपको मेडिसिन दिया था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता ओवरवेट हो, ओवरईट किया हो, आप बेड रेस्ट पे थे, एक्टिविटी कम हो गई, इसकी वजह से फैट आ गया है. फैट जो है बेसिकली जो है ग्लैंड को भी ज़्यादा डेवलप करता है. ओके पुष्पेंद्र आपकी सर्जरी हो गई है, यू आर वेरी गुड टू नो. स्टिचेस रिमूव किया, आ सकते हैं. Pain after gynec exercise for 1 week, for which we give painkiller. सब कुछ मालूम पड़ गया सर, बट ओनली मुझे जनरल में डर लगता है इसका. आप जनरल एनेस्थीसियो की बजाय आप लोकल में करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इतना ज़्यादा मालूम हो गया तभी आपको डर भी ज़्यादा हो गया. जब जहाँ पे हमें नॉलेज होती है वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज है तो आपको डर होना जो है डर होना बेसिकली और ज़रूरी भी है. हेलो निखिल, आपका रिजल्ट अच्छा है, कमेंट भी किया है लेकिन आपने नाम जो है ऐसा लिखा था. सो आप बताइए कुछ जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इज इट ए वन टाइम सर्जरी फॉर होल लाइफ? बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है निखिल. विंटर और समर में करनी चाहिए ये भी बताइए. चलो निखिल को मैं देता हूँ क्वेश्चंस, ही विल आंसर. हेलो कबीर आ रही है, बेस्ट. आप ये बताइए विंटर में करनी चाहिए समर में करनी चाहिए? हार्मोन इंबैलेंस जो है वो फिजियोलॉजिकल रहता है 13-17 ईयर्स की एज में होता है, उसके बाद नहीं होता है. समर देखिए समर में करनी चाहिए. अभी विंटर आ रहा है तो उनको समर का वेट क्यों करा रहे हैं? देखिए वेदर का एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. देखिए आप ये पूछेंगे कि
जो है क्रिकेट मैच कौन से सीजन में खेलना चाहिए। तो देखिए समर में भी खेला जाता है, विंटर में भी खेला जाता है, तो उससे वेदर का कोई भी हमारी बॉडी पे, हीलिंग पे, सर्जरी आउटकम पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। विंटर देखिए, कुछ लोग बोलेंगे विंटर, कुछ लोग समर, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ना विंटर ना समर, सिर्फ वेट करते रहेंगे। हाँ काफी दिनों के बाद आया हूँ अंकित। लेकिन हमारे वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, सो मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, लेकिन हम सर्जरी के वीडियोस आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स के भी जितना भी पॉसिबल आई विल वी आर पोस्टिंग। सो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया तो हमारा जो है कनेक्शन टूट गया है। मैं नवाडा बिहार से हूँ, मेरा गाने वो सक्सेसफुल रहा, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने आज थैंक यू बोला है, सो लग रहा था कि काफ़ी लोग याद कर रहे थे मुझे, सो फाइनली मैं आया। तो देखिए कितने लोगों का अच्छा रिजल्ट आया है, सब ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हैं इससे। और क्या, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम सोचेंगे हम यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, तो इससे ज़्यादा और क्या ट्रस्ट आ सकता है, और कैसे बिलीव आएगा। लाइव लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, नो डेफिनेटली यू शुड कम विद एट वन पर्सन, यू शुड अकम्पनी विद, डोंट कम अलोन। नहीं, गायनेकोमेस्टिया से जो है कैंसर नहीं होता है, लेकिन मेल ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी कर दोगे तो कैंसर के चांसेस नील हो जाएंगे। गुड इवनिंग आंसर में, हाउ लॉन्ग विल द लूज निप्पल एरिया टेक आफ्टर द सर्जरी, 3 to 6 months। यस डेफिनेटली जिम कॉर्नर, वंस वी गेट रेड ऑफ दिस गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम यू विल बी फिट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। किसी भी वेदर में सर्जरी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लाइफ टाइम रिजल्ट रहता है, दोबारा नहीं आता है। कॉस्ट के लिए यूसुफ ये नंबर है यहाँ पे, मैं मेंशन करता हूँ, इन नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करिए, जो आपकी सिटी नियरेस्ट है उस पे ही करिए। कासिद थैंक यू, नाइस जॉब सर, थैंक यू। एक तो हो सकता है जरूर रिजल्ट, देखिए मैं सबका रिजल्ट तो दे नहीं सकता है, कुछ भी नहीं आया, टोटल मनी वेस्टेज हो सकता है डेफिनेटली। हाउ लॉन्ग द 3 to 6 months में हील हो जाता है, कोई मार्क्स वगैरह नहीं रहता है। व्हाट शुड बी द डाइट आफ्टर सर्जरी, टेक लाइट फूड ऑन द डे ऑफ द सर्जरी एंड डोंट ईट वेरी स्पाइसी, ईट लाइट फूड एंड आफ्टर दैट यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल फूड। वी गिव डाइट प्लान एज वेल आफ्टर द सर्जरी। अरे सर्जरी का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ये तो बहुत बड़ा काम है। बेसिकली मैं ट्राई करूंगा, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। निखिल आपकी सर्जरी को कितने मंथ में, कब हुआ था ये तो बताइए। सर इनसे एक्सपेक्ट से बड़ा बड़ा लूज स्किन, व्हेन विल सी रिजल्ट के लिए 3 to 6 months लूज स्किन नहीं आती है। मेरा नाम पूछ रहे हैं, सो मेरा नाम प्रशांत यादव, डिजायर क्लिनिक एंड हमारे सेंटर दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुड़गांव में है। पैसे किसके लिए, देखिए कोई ना कोई तो आज आ ही जाता है, सो जरूरी नहीं है कि सबका रिजल्ट आए, कुछ का तो नहीं आया। आप जो है देखो रोहित राजकुमार ने कितना अच्छा लिखा है, सब लोग डर जाते हैं सर्जरी से पहले, एंड ये जो है इन्होंने वीडियो देखकर जो है डर को खत्म किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ज्यादातर। आज जो है पेशेंट सिलीगुड़ी से आए, वहां पे उनको बहुत सारे ऑप्शन थे कोलकाता में, फिर भी उन्होंने कोलकाता से ट्रेवल, बहुत कम पैसे थे उनके पास, फिर भी ट्रेवल किया, आज उनकी सर्जरी हुई। बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड जो है और इतना सपोर्ट करते हैं, इतना इतना जो है बेसिकली, और बाद में भी जो है बेसिकली कुछ कुछ जो है जो
जैसे रोयल राजपूत अभी कह रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, कुछ कुछ हो भी सकता है। हर तरह की चीजें आएंगी, यानी कि नेगेटिव जहां पर है तो इसका मतलब ऑथेंटिसिटी है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। रोहित राजकुमार आपने थैंक यू, एंड जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आया, मेरी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन इसका क्रेडिट मैं आपको देता हूँ, और आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे, इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए मुझे। देखो आनंद कुमार, आप बताइए, देखिए अभी निखिल बताएंगे एंड काफी लोग बताएंगे पेन होता है कि, देखिए कुछ लोग जो हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अब सर्जरी की है, ग्लैंड भी कट हुआ है, जॉलिन जो जो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई विल आंसर इन इंग्लिश, बट रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल स्पीक इन हिंदी ओनली, बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड हिंदी ओनली, बट आई विल रिप्लाई इन योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। देखो अभी अब बाकी से देखिए जो है इनिशियली थोड़ा थोड़ा जब रिकवरी फेज होता है, नर्व्स सेंसिटिव होती हैं, रिकवर हो रही है, तो उनको बेसिकली थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। और दूसरा रीजन है कि प्रॉपर मसाज ना करना, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करना। बाकी आप इतने लोगों से पूछोगे, इन सब मुझे नहीं लगता किसी को 1 month के बाद भी पेन है। देखो निखिल ने बताया, आनंद भी बताइए, आनंद मगर नवल किशोर बताइए कि पेन होता है क्या नहीं। ईएमआई पे कर सकते हैं डेफिनेटली, एवरेज कितना फंड चाहिए आपको बता देंगे आपका। कैन यू हाइड एवन बेडरूम विदाउट लूज स्किन, आई वॉन्ट टू टेक लाइफ आई वॉन्ट विदाउट, वी गिव वी हैव वेजर विद रिन्यून स्किन टाइटनिंग फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ लूज स्किन आफ्टर लाइपोसेक्शन, सो डेफिनेटली वी कैन गिव वेजर 4D हाई डेफिनेशन विद रिन्यून स्किन टाइटनिंग एंड यू विल नॉट गेट एनी लूज स्किन। आइजर इज इन मैंशनिंग मनोज, ओके आई वॉन्ट हाउ टू टेक इफ आई टू गो, दीज आर बैकिंग मी। सर मैंने सर्जरी पुणे में, रिजल्ट अच्छा है, ईएमआई पे कर सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आपको जरूर मिलेंगे। व्हेन कैन आई स्टार्ट हैवी जिम वर्क, आफ्टर 1 month, थैंक यू जिम कॉर्नर, यू आर कमिंग इन नवंबर। चलो रोहित राजकुमार, आप जब आएंगे मुझसे मिलिए, और अगर पॉसिबल है तो हम एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, एंड बाकी लोगों तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है गायनेकोमास्टर सर्जरी, कितना जो है कहाँ तक ये इफेक्ट करता है। आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू सम टाइम एंड विल रिकॉर्ड ए वीडियो एज वेल इफ यू परमिट। कॉस्ट के लिए देखिए यहाँ पे हम कोई कॉस्ट के बारे में मेंशन नहीं कर रहे, हम रिजल्ट और ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कॉस्ट जानी है व्हाट्सअप करिए। किसी किसी को पेन होता है, नो ईगो लिटरली लाइक ए फ्रेंड, यस आई ट्राई टू बी एज मच एज फ्रेंडली एज पॉसिबल। 1 month से ज़्यादा हो गया है पेन नहीं होता है, देखिए निखिल को नहीं है, व्हाट इज फील बुकिंग अपॉइंटमेंट विद यू, एडवांस डिपॉजिट, यू नीड टू पे सम एडवांस डिपॉजिट एंड दैट माई टीम विल टेल यू एंड यू कैन डेट द डेट विच आर अवेलेबल। हेलो शर्मादीप, हेलो सोनू, पेन नहीं होती है, अच्छा 21st को ही हुई थी, अभी अभी आनंद मगर की अभी हुई थी है। अभी इतने लोगों ने तो बताया कि नहीं होती है, किसी किसी को हो सकती है, दैट इज इट इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, नॉट ए मेजर पेन प्रॉब्लम। एंड बेसिकली सेकेंडली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से दे डोंट हैव सेंसेशन, नाउ पीपल आर सेइंग पेन इज द प्रॉब्लम, सो बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। इज इट लाइट डिस्कम्फर्ट, दिस इज अ टेम्पररी, देर इज नो एट सच पेन, यू कैन आस्क, सो मेनी पीपल आर सेइंग, ओके संगम पुष्कर, आई गॉन थ्रू सर्जरी इन अप्रैल, ओके हाउ इज योर रिजल्ट, डिफेंस कैन आई रिज्यूम आफ्टर योर सर्जरी, यस यू कैन रिज्यूम योर ड्यूटी आफ्टर 3 weeks, यस पल्लवी यू वी कैन डू 6-pack सर्जरी फॉर फीमेल एज वेल,
provided you don't have much visceral fat, provided you are not morbid obese, you are not obese, provided you have good good muscles, so we can do six-pack ab surgery for female as well. But most of the time they want three definitions only. But if you insist you want six-pack, we can do that. वर्कआउट से गाने को मैसे कम होने में हेल्प होती है क्या? कौन सा वर्क? नहीं, वर्कआउट से आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपका थोड़ा फैट कम हो जाएगा, गाने को मिस्टर नहीं जाएगा, इस मिथ में मत रहिए। कॉस्ट के लिए नंबर है यहाँ पे जो है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। सोनू लाइपोसेक्शन कराई थी 1 अप्रैल को, वैसे सब सही है, मेरे वाइट पिगमेंटेशन हो रहे हैं नॉर्मल। एक बार आप पिक्चर सेंड करिए, मैं चेक करके जो भी सेंटर पे है तो मैं कल आपको रिप्लाई देता हूँ कि कौन सा पिगमेंटेशन हो रहा है। यस डेफिनेटली मैं निखिल करता हूँ। कॉस्ट कितना आएगा? सब जो कॉस्ट पूछ रहे हैं प्लीज ये नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप चेस्ट की पिक्चर सेंड करिए एंड आपको आपकी कॉस्ट पता लगे कितने दिक्कत। सो वर्कआउट्स ओके, आप आनंद मगर आ जाइए डेफिनेटली। व्हेन कैन आई गो टू ऑफिस आफ्टर लेग लाइपो? लाइपो मे बी यू कैन टेक 3 to 5 days ऑफ फ्रॉम योर वर्क, लेकिन दिक्कत होता है जाने के लिए। यस थोड़ा दिक्कत होता है, वन टाइम में आप आ सकते हैं, दिल्ली में भी आ सकते हैं, आप बेंगलोर में भी आ सकते हैं उड़ीसा से। ओके, मेडिसिन बताया था वो लगाइए, मैं फिर भी आपका कल चेक कर लेता हूँ। अजीत पटेल से लखनऊ में नहीं, आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा। आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन मेरे से फेस टू फेस कर सकते हैं, सिटिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम लखनऊ, सो यू डोंट नीड टू विजिट फॉर कंसल्टेशन, फॉर सर्जरी यू नीड टू कम टू दिल्ली। हमारा क्लिनिक दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुड़गांव में है। पूरे 6 months अराउंड लगाए। ओके, मैं चेक करता हूँ सोनू क्या क्या है आपका। नहीं, मैं पाइल्स की सर्जरी नहीं करता हूँ। पुष्कर डोले, अब सर्जरी आई नीड टू सी यू आर गेटिंग द फैट और यू आर गेटिंग ओवरऑल फैट, देन ओनली यू विल गेट फैट डिपॉजिट इन द चेस्ट। सो आई नीड टू डिस्कस विद यू हाउ वेदर यू आर डूइंग, वट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू हैव, वट काइंड ऑफ डाइट यू आर ईटिंग। वीडियो कंसल्टेशन के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट करिए, नंबर है, आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, वो टाइम देगी, उस टाइम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वी डू ऑल लाइपोसक्शन विद वेजर ओनली, वी डोंट डू एनी ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन। रोहित राजकुमार दोबारा क्वेश्चन भेजिए, व्हाट इज द मिनिमम रिकवरी टाइम आफ्टर सर्जरी विद सर्जरी? मोहित कुमार आपका क्वेश्चन चला गया है, दोबारा से भेजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। पाइल्स का मैंने बता दिया, नहीं करता हूँ मैं सर्जरी। आफ्टर हाउ मेनी डेज पेन विल गो? आई थिंक वील क्लोज द लाइव सेशन एट दिस वन। सो नो फैट्स आर ओनली गाइनो, तो गाइनो है, फैट नहीं है तो ग्लैंड रिमूव कर देंगे। खर्चे के लिए पिक्चर्स और डिटेल सेंड करिए, नंबर मैंने दे दिया है। मिनिमम रिकवरी टाइम बता दिया है, रिकवरी टाइम आफ्टर गायनेकोमास्टी सर्जरी इज 2 to 3 days, पेन मेनली फॉर 1 week। सर वन सिटिंग में ऑपरेशन कंप्लीट होता है? यस, एक ही सिटिंग रहती है इसमें। वो मैंने नहीं लगा रखी है, बेसिकली वो सीढ़ियों पे इसके लिए लगा रखे ताकि जो है स्पिट ना करे, कई लोग पान थूकते हैं, सो ये बिल्डिंग वालों ने लगा रखी है, ये मैंने नहीं लगा रखी है। मनीष उसकी वजह से लोग जो है गंदगी कम करते हैं। आपको ग्लैंड रह गया है, ऐसे कैसे? आप भगवान हो क्या जिसमें आपने पता लग गया है? तो अभी 3 days हुए हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, 3 days में आप ये समझेंगे। और ग्लैंड कैसे रह जाएगा? हम ओपन करके सब कुछ देख लेते, ग्लैंड नहीं रहेगा। नहीं, निप्पल सेंसेशन ऑल्टर्ड होते हैं इनिशियली फॉर 2-3 months, देन इट विल रिकवर। लाइपोमा फैट सेल्स होते हैं, फैटी कलेक्शंस सराउंडेड बाय कैप्सूल।
यस, थोड़ा लैपेन हो सकता है इनिशियल है, देखिए जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट होगी बॉडी में तो वो रिकवर हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सर्जरी वेरी अकॉर्डिंग टू सिटी और नॉट अकॉर्डिंग टू सिटी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बोथ आर पॉजिटिव इफेक्ट, शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स आर लाइक पेन स्वेलिंग डिस्कम्फर्ट एंड सम ब्रूजेस हार्डनेस स्टिफनेस सम ऑल्टर्ड सेंसेशन। अच्छा आपने कहीं और से सर्जरी कराई, ओके ओके। चलो आप एक बार मुझसे पिक्चर सेंड करिए कोई भी नंबर पे जो आपके नज़दीक है, आप बताइए उनको आपने कहीं और से कराई ये नंबर रहे एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और होगा तो मैं आपसे वीडियो कंसल्टेशन भी कर लूँगा। अकेले मत आइए, साथ में लेके ईएमआई पे पेमेंट होगी। मैंने जो हिम्मत दिखाई थी पर आप पर कहने वो इट्स वर्थ, तो मुझे जो रिजल्ट मिला बहुत अच्छा है। थैंक यू आनंद, एंड आप लोगों ने हिम्मत रखी, मेरे पे विश्वास रखा, बिलीव किया, ट्रस्ट किया एंड इतनी दूर तक आए और मुझे लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं हमसे, इवन आफ्टर सर्जरी रिजल्ट आता है तो शेयर करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कंटिन्यूअस सपोर्टिंग अस। लाइपोमा बाहों के नीचे हो सकता है, यस हो सकता है। सो लास्ट 1 मिनट देन विल क्लोज द सेशन। सो थैंक यू एंड किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम किसी के ट्रीटमेंट से इसके ट्रीटमेंट गुजर रहे हैं, पूरा दिन टी शर्ट निकाल के घूमते हैं मोहित, तो अभी हर जगह पे टी शर्ट मत निकालिए, घर पे निकाल के घूम सकते हैं। गायनो से कैंसर नहीं होता है, हाँ गायनो की सर्जरी कर देंगे तो कैंसर के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो मोहित ने काफ़ी अच्छा बहुत बताया है कि अब ये घूम सकते हैं, सो बहुत रिलीफ मिलता होगा, और जो है इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि अब जो हम खुलेआम घूम सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सो नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, आई विल ट्राई टू कम लाइव एज मच एज पॉसिबल, सो डू कंटिन्यू टू सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच एंड आई फील वेरी हैप्पी। पी पूरे बोला द बेस्ट है, थैंक यू पुष्कर, निखिल, योगेश, सो मेनी पीपल, मनीष दिल्ली के कौन से व्हाट्सएप 9717। गायनो को कॉस्ट ये नंबर पे आप पिक्चर सेंड करिए, मैंने नंबर दिए हैं। सो हेलो, लास्ट आई विल टेक योर क्वेश्चन डायरेक्ट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देन आई विल क्लोज दिस। सो देखिए आप लोगों ने बिलीव रखा, ट्रस्ट रखा और डेफिनेटली हमने रिजल्ट भी डिलीवर किया है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा दिया है। सो थैंक यू सो मच एंड डायरेक्ट इफ यू हैव क्वेश्चन आई विल रिप्लाई। देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि जब इन्होंने गायनों सहन कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख दर्द सहन कर सकते हैं, और जब गायनों से ओवरकम आ गए हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद ये फोकस करते हैं, देखिए गायनों को मैं से लोगों को लगता है कि सिर्फ चेस्ट की सर्जरी है, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है, आपको हमेशा ये सर के ऊपर बोझ रहता है, जब ये बोझ हटता है तो आप अपने काम पे, वर्क पे, स्टडी पे फोकस करते हैं, तो और भी ज़्यादा जो है अपीरेंस के बाद ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। कितने 2-3 डेज के बाद जा सकते हैं सर जी, फर्स्ट वाले पे प्लीज रिप्लाई करना, ओके डेफिनेटली मैं करता हूँ। कॉस्ट के लिए हेलो हेलो कर दिया है, सो आई थिंक ही इज नॉट, देर इज नो क्वेश्चन, सो थैंक यू एवरीवन, सो गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद एंड बाय बाय। तो गायनो है आप पिक्चर सेंड करिए, विल रिप्लाई।